हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय बिजनेस। मैं हूं आशपाट और आप देख रहे हैं यूनिक सेलर मेकर सेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आज का जो वीडियो है ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो लाइसेंस के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लाइसेंस के बारे में समझते हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर लाइसेंस के बारे में कोई नहीं बताता। तो मैंने कहा जब कोई नहीं बताता तो यूनिक है तो मैं बताता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप ऑटो कैड स्टैट प्रो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फ्री और पेड दोनों कंटेंट है, जो आपको पसंद आए वो आप उसको लेके यूज़ कर सकते हैं। सो पहले आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। चलिए थैंक यू, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ कि क्यों लाइसेंस के बारे में कोई नहीं बताता। अब लाइसेंस के इतने डिपार्टमेंट अलग अलग है, किस चीज का लाइसेंस चाहिए ये समझना पड़ेगा। सिविल इंजीनियरिंग की बड़ी प्रोफाइल है तो अब किस लाइसेंस के बारे में आपको बताया जाए ये समझो। अगर आप ड्राफ्टिंग का काम करते हो, क्या करते हो, ड्राफ्टिंग का काम करते हो या फिर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपने नियर जो भी जिस सिटी में रहते हो वहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पर एक फॉर्म देते हैं और आराम से उसको फिलअप करो, एक चालान देते हैं 1500-2000 का अप्रॉक्स सभी जगह फीस है, वो चालान फिल करो। एक महीने के अंदर आपको ड्राफ्टिंग का लाइसेंस आ जाएगा। उसमें अप्रॉक्स अभी जो चल रहा है जो एरिया है, मतलब कि अलग अलग टाइम पर क्या एरिया, कितना एरिया के लिए आप डिजाइन कर सकते हो, तो 300 मीटर स्क्वायर तक शायद कुछ जगहों पर है अप्रॉक्स। इतने मीटर स्क्वायर तक की प्लानिंग आप कर सकते हो एज अ सिविल इंजीनियर। अगर आर्किटेक्ट हो तो इससे ज्यादा कर सकते हो। समझ आया ड्राफ्टिंग का लाइसेंस। चलो बात करते हैं स्ट्रक्चर का लाइसेंस। तो स्ट्रक्चर्स के लाइसेंस के लिए आपको समझना पड़ेगा, अगर किसी एक सिटी के लिए आप काम कर रहे हो तो उसके लिए भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए सेम आपको जाना पड़ेगा। वहां पर स्ट्रक्चर के लिए आपका एमटेक है या फिर बीटेक है तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस, एमटेक है तो 2 साल का एक्सपीरियंस दिखा के एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भर के चालान भरना पड़ता है। उसका भी अप्रॉक्स 3500 के आसपास अलग अलग जगह पे थोड़ा बहुत फी वेरी करेगा। तो वहां पर आपको जाओगे चालान भर के दे दोगे, एक महीने के अंदर उसका भी लाइसेंस आ जाता है। चलो तो लाइसेंस क्लियर हो गया। तीसरा लाइसेंस है कि मुझे स्ट्रक्चर का काम ऑल ओवर इंडिया में करना है, इंडिया लेवल का करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि कैसे आप ऑल ओवर इंडिया के लिए एक लाइसेंस बनवा सकते हो। उसकी फी अप्रॉक्स 10,000 उसकी फी है। इसको आप जाके कंप्लीट देख लो, इसमें मैंने बताया कैसे फिल करना है वो भी आप देख सकते हो। तो चलिए स्ट्रक्चर का काम खत्म हो गया, ड्राफ्टिंग का काम खत्म हो गया, इंडिया लेवल के लिए लाइसेंस कैसे बनाना उसका काम खत्म हो गया। अब आता है चौथे, आपका सोच रहे हो कि चार्टर्ड इंजीनियर की एक प्रोफाइल होती है, उसके लिए मैंने अभी रिसेंट वीडियो बनाया है, उस जाके देख लेना क्या होता है, बनाना कैसे है, उसका भी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के उसमें जाके रजिस्टर करना है। जैसे कि आप अभी स्ट्रक्चर के लिए ऑल ओवर इंडिया कर रहे थे, सेम वहीं पर जाके उसी प्लेटफॉर्म पर ही आप ऑल ओवर इंडिया के लिए आप चार्टर्ड इंजीनियर, चार्टर्ड इंजीनियर मतलब वो इंजीनियर जो कंपनी को सोल्यूशन बताता है, वो इंजीनियर के लिए आप लाइसेंस करवा सकते हो। इसमें बीटेक आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसके साथ ही साथ आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। चलिए 4 लाइसेंस के बारे में मैंने बता दिया, अब और लाइसेंस बताता हूँ कौन सा। अगर आप PWD में वर्क करना चाहते हो, PWD के जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको लेना चाहते हो, तो फिर आपको PWD में जाना पड़ेगा। वहां पर आपको अपनी डिग्री दिखाना पड़ेगा। आपका रजिस्ट्रेशन होता है लेवल ए, लेवल टू, लेवल मतलब लेवल ए बी सी ऐसे होता है। तो आपको पहले लेवल सी में, फिर आप धीरे धीरे काम बढ़ाते जाओगे तो लेवल बी, फिर लेवल ए, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। तो PWD का आपको PWD ऑफिस में जाइए, आपके जो भी नियर अबाउट है वहां पर जाके वहां पर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। CPWD का भी सेम है, आप देख लीजिए हेड ऑफिस कहाँ पर है आपके नियर अबाउट, वहाँ पर भी एक फॉर्म भरना पड़ता है और उसका भी एक कॉस्ट है और उसका भी एक टाइम लिमिट होता है कितने साल के लिए है। PWD का भी होता है, इसका भी होता है। वहाँ पर जाइए, फिल करिए और फिल करके वहाँ से लाइसेंस बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं जल निगम का। अगर आप जल निगम के कॉन्टेक्ट लेना चाहते हो, उसके रिलेटेड अगर आपको प्रोजेक्ट लेना है तो आपको जल निगम में जाना पड़ेगा और जल निगम का जो भी ऑफिस आपके पास हो वहां पर जाना पड़ेगा। वहां पर भी सेम फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट हर जगह का अलग अलग है, वेरी करेगा। अप्रॉक्स 10,000 के आसपास समझ के रखिए कि आपको लगेगा वहां पर, तो आपका जल निगम का भी लाइसेंस बन जाएगा। अब आप बात करते हैं नगर निगम में। अगर नगर निगम में सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट का अगर आपको लाइसेंस बनवाना है तो आपको जाना पड़ेगा नगर निगम का जो ऑफिस है आपके नियर अबाउट, वहाँ पर भी सेम कॉस्ट मतलब वो है। ये छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट जैसे नाली का बनाने का कॉन्ट्रैक्टर होता है, ऐसे करके रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वहाँ पर भी कर सकते हो। तो इतने टाइप्स के मिनिमम मैंने बताया कि जो आपको जिसका आप रजिस्ट्रेशन निकलवा सकते हो, लाइसेंस बनवा सकते हो। अभी जो जरूरी होगी आपके लिए वो होगा
ड्राफ्टिंग का और दूसरा आपके लिए जरूरी होगा स्ट्रक्चर का। तो ये दोनों आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से बन जाएंगे। इंडिया लेवल का करना है तो मैंने बता दिया, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो ये थे लाइसेंस, इतने ढेर सारे लाइसेंस हैं इसलिए कोई भी लाइसेंस के बारे में नहीं बताता। आई थिंक मेरे को नहीं पता कि क्यों नहीं बताया, बट ये अलग अलग लाइसेंस के टाइप हैं जिनको आप बनवा के अलग अलग जगहों पे अपना एक तरीके से एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो कि लाइसेंस के दम पे आप किसी प्रोजेक्ट को ले सकते हो, लेके आराम से उस पर काम कर सकते हो। और डिटेल में किसी एक पर्टिकुलर लाइसेंस पे चाहिए तो कमेंट करो, और डिटेल में जाऊंगा भाई फिल कैसे करना है फॉर्म को, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करो, तो उसके बारे में भी प्लान करेंगे, पॉसिबल होगा तो आप तक लेके आएंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।